नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर रजक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल से। आज मेरे पास ये टीवी आया है, ये सैमसंग का है, 24 इंच का टीवी। देखिए इसमें क्या फॉल्ट बनता है। ये मैंने प्लग लगाया है इसमें, ये देखिए ये चालू हो गया। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये देखिए ये ब्लिंकिंग कर रहा है और रिमोट कोई काम नहीं कर रहा है। अभी किसी भी प्रकार से रिमोट काम नहीं कर रहा है। इससे करते हैं तो ये देखिए अपने आप चेंज होने लगता है। देखिए ऐसे ये बंद हो गया, अब रिमोट काम कर जाएगा इसमें। देखिए ये हो गया चालू। देखिए ये अपने आप काम कर रहा है। ये कुछ भी आ जाता है इसमें, कभी वॉल्यूम बढ़ने लगता है, कभी चैनल चेंज होने लगते हैं। देखते आपको बताते हैं। ये देखिए ब्लिंकिंग हो रहा है, यानी इसमें डेटा जा रहा है, पर किधर से जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। रिमोट काम नहीं कर रहा है इस वक्त। ये स्विच काम करता है कभी कभी, वो भी नहीं करता। देखिए ये देखिए मैंने चेंज किया, ये देखिए वापस आ गया। कभी ब्राइटनेस बढ़ने लगे, कभी कंट्रास्ट बढ़ने लगे, कभी चैनल चेंज होने लगे, कभी ये भी पे आ जाएगा, कभी ये भी से चला जाएगा। तो आइए इसको खोल के देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। अब इसको खोलते हैं। सैमसंग का है ये, इस तरीके के फॉल्ट अधिकांशतः बारिश के समय पर वही बनते हैं फॉल्ट। एक आपके पास काम करने के लिए एक ये ओपनर भी होना चाहिए, ये ओपनर कहलाता है। ये देखिए ये लॉक है, लॉक ये अभी ऊपर लॉक लगी हुई है इसके, ये इससे ही खुलेगा। देखिए बड़ी सावधानी से खोलिएगा, क्योंकि इस पे पैनल रहता है, कभी कभी पैनल ख़राब होने का डर रहता है। ये देखिए ये मैंने खोल दिया, ये अलग हो गया इसमें और ये हिस्सा अलग हो गया। इसको मैंने वैसे क्लीन करके रखा हुआ है, बहुत गंदा था ये, अब बहुत कुछ साफ़ है। फिर भी फॉल्ट अभी यहीं इसी पे है, और अधिकांशतः ये जो फॉल्ट आता है बारिश में आता है। जूम कीजिए, ये अधिकांशतः फॉल्ट इसी सेक्शन में आता है। सप्लाई इसकी ओके है, फॉल्ट यहाँ का है। तो यहाँ पे फॉल्ट किस चीज़ से बनता है? अधिकांशतः ये फॉल्ट की का बनता है। ये की है जो इसका प्रेस की, इससे बनते हैं, माइक्रो स्विच के द्वारा बनते हैं। कभी कभी ये यहाँ पर जो इसका सर्किट लगा होगा वहाँ पे भी कभी कभी रेजिस्टेंस से नमी की वजह से रेजिस्टेंस बन जाता है, जिससे ये डेटा जाता है। तो अब पहले तो इसको सबसे पहले इसमें एक ही काम करना है, सबसे पहले इसको क्लीन करना है, फिर देखेंगे क्या फॉल्ट बनता है। तो देखिए मैं इसको निकाल के अलग करता हूँ इससे। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये घर पर बना रहा हूँ मैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इसलिए इसको घर पर बनाना पड़ रहा है इस वीडियो को। आप यदि क्लियर ना आए, थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो सकता है, आप उस पर ध्यान ना दें कृपया कर। मैं खोल रहा हूँ, ये देखिए एक की वाला स्विच है, एक की वाले वायर हैं ये। तो पहले की को साफ करेंगे, इसको निकाल के क्लीन करेंगे पहले। क्योंकि ये इससे फॉल्ट हो सकता है,
इसलिए इसको खोल दिया पहले। एक मिनट ये एक ये स्क्रू लगा, इसको खोलना है। ये देखिए इसमें ये सेंसर लगा हुआ है और ये एलईडी है। इसमें देखिए कितना छोटा है सेंसर लगा हुआ है, कितने ये बारीक बारीक पार्ट्स लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। तो ये शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है ये स्विच जो माइक्रो स्विच है ये भी ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले इसको क्लीन करके देखते हैं। ये डस्ट की आने की वजह से ये फॉल्ट हो सकता है कि डस्ट की वजह से ये फॉल्ट हो, तो इसको सही ढंग से क्लीन करें पहले। तो यदि ये क्लीन हो गया हो तो इसकी आगे की प्रक्रिया ये है कि इसको ये साइड से रख देते हैं। अब इसको बोर्ड को खोल लेते हैं। इसमें कई प्रकार के फॉल्ट बनते हैं बारिश की वजह से, नमी आने की वजह से ये फॉल्ट होते हैं। कभी कभी ये भी होता है स्टैंड बाय में हो जाता है, रिमोट से चालू करते तो हो तो जाता है पर कुछ सेकंड बाद फिर बंद हो जाता है, फिर चालू हो जाता है फिर। तो इस तरीके से ये हो जाता है, तो इसको ध्यान रखें। यदि ऐसा होता है तब भी इसको क्लीन करना है। देखिए ये जो डस्ट है ये डस्ट ही परेशान करती है इसमें, तो इसको क्लीन करने का बहुत ज़रूरी है। अब इसको इसमें से निकालना है। ये ओपन हो गया है, इसको अब क्लीन करना पड़ेगा। पहले क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्लीन नहीं करोगे तो कई प्रकार के फॉल्ट बनते हैं इसमें। कभी ब्राइटनेस अपने आप बढ़ने लगना, कभी कंट्रास्ट बढ़ने लगना, कभी कलर, कभी ऑडियो वीडियो अपने आप होने लगना, ये सब फॉल्ट जो बनते हैं ये कहीं ना कहीं से डेटा जा रहा है इसमें, इंक्लूड हो रहा है, इसलिए ये काम कर रहा है। ये या तो रिमोट से होता है, कभी कभी रिमोट का कोई स्विच यदि दबा रहता है तब भी यही फॉल्ट बनता है, या फिर इसमें डस्ट आने की वजह से ये फॉल्ट बनता है। इसको सबसे पहले क्लीन करके ही चालू करना है अपन। देखिए क्लीन कर रहा हूँ, देखिए इसको क्लीन कर दिया है, क्लीन कर दिया है, इसको लगा रहे हैं। ये सेस का है, सेट का है, ये देखिए बैठ गया, ये लॉक, ये हो गया। ये इसका ये भी लगा देते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये कीबोर्ड वाला अधिकांशतः पार्ट इसी का होता है। अब इसको चला के देखते हैं। लगाइए, देखते हैं। यहाँ देखिए
ये आ गई लाइट इसमें। चलो इसको पलट के देखते हैं, ये आ गया। अब देखिए इसमें कोई डेटा इंक्लूड नहीं हो रहा है, ये एलईडी बंद है, चालू नहीं हो रही, बार बार चालू नहीं हो रही है। अब ये मैंने पेन ड्राइव लगा के रखी है, ये आ गया यूएसबी। देखिए ये यूएसबी लगाई, ये आ गया यूएसबी। मेरे यूएसबी में अभी कोई पिक्चर नहीं, खाली पड़ा है, इसलिए अभी पिक्चर नहीं दिखा सकता मैं। अभी ये भी लगा के दिखाऊंगा मैं। ये हो गया आपका कंप्लीट सेट। देखिए इसको फिर बंद किया, फिर एक बार फिर चालू करता हूँ और ये हो गया चालू। देखिए ये आ गया। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि बारिश की वजह से कभी कभी क्या होता है, मॉइस्चर हो जाता है, मदरबोर्ड अपना मॉइस्चर हो जाता है, तो इस तरीके से काम करने लगता है। या की ये जो की है, जो इसकी माइक्रो की है, यदि ये शॉर्ट होने लगती है तब भी ये कहीं ना कहीं से डाटा इंक्लूड होता है और वो अलग अलग डेटा सामने देता है जो अपन को दिखता है। कभी ब्राइटनेस, कभी कंट्रास्ट, कुछ भी देखने लगता है। ए बी चैनल आने लगते हैं, कभी कभी बंद हो जाता है, आरएफ चलने लगता है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, या फिर रिमोट से चालू करते हैं, चालू हो जाता है, एक सेकंड बाद वो बंद हो जाता है टीवी, फिर बंद करके चालू करते तो चालू हो जाता है। तो ऐसा कभी होता है तो इसको सबसे पहले आपको क्लीन करना है, क्लीन करके इसको सुखाना है अच्छे से। सुखाने के बाद उसको लगाना है। जैसे कि मैंने अभी सुखाया नहीं, तो उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ था, एसीटोन भरा हुआ था, इसलिए वो रेड लाइट आ रही थी, कुछ भी काम नहीं करता है। रेड एलईडी जल रही थी, इंडिकेशन वो दे रहा था, परंतु कुछ काम नहीं कर रहा था। जैसे ही मैंने उसको सुखाया, उसके बाद लगाया, तो ये क्लियर हो गया। तो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि मैंने जिस तरीके से काम किया आपको बताया, इसमें कोई फ्रॉड वाला काम नहीं है। जो भी मैंने बताया है वो कोई कट वाला काम नहीं है, क्लियर जो चीज़ होती है वही मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं कि काट काट के कहीं से कहीं जोड़ के आपको कुछ भी दिखा दें, तो ऐसा नहीं है। मेरा पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।